डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्नी वेलगेरिस होते क्या हैं एक्नी वेलगेरिस के टाइप क्या है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है डायग्नोसिस क्या है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है तो आज मैं आपके सामने एक्नी वल्गेरिस का होम्योपैथिक थेरापिटिक्स लेके आता आया हूँ जो कि स्टूडेंट और प्रैक्टिसनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कौन कौन से दवाई एक्नी वेलगेरिस के लिए दी जाती है और एक्नी के डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए दी जाती है तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ एक्नी वलगेरिस जो होम्योपैथिक थैरापेटिक्स में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो सोराइनम है तो सोराइनम के सिम्टम्स क्या है वो हम देखेंगे एक्ने ऑल फॉर्म्स चाहे वो कॉस्मेटिक एक्नी हो इन्फेंटाइल एक्नी हो एक्नी ऑफ द मसाज हो एक्नी ड्यू टू द ड्रग्स हो या और कोई टाइप हो सभी प्रकार की एक्नी में सोराइनम बहुत अच्छी दवाई है एक्नी ऑल फॉर्म्स सिंपलेक्स रोजिजा एग्रावेशन ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रावेशन ड्यूरिंग मैनसेस फ्राम कॉफ़ी फेट शूगर मीट वैन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स और ओनली पेलीट्स तो आपने देखा क्या क्या एग्रावेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन इसको एक्निंग बढ़ जाती है कॉफ़ी से बढ़ जाती है फेट्स एंड शुगर से मीट वैन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स और ओनली पेलीट तो जहाँ पे आप बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फ़ेल हो जाए वहाँ पे सॉराइनम का उपयोग कर सकते हैं या फिर जहाँ पे एक्ने मैंसेस से कॉफ़ी पीने से फेट से शुगर से या मीट से बढ़ जाती है वहाँ पे आप सॉरायनम का उपयोग कर सकते हैं जो अगली दवाई ये बहुत फ्रिक्वेंटली प्रेस्क्राइबड होती है वो है काली ब्रोमेटम या काली ब्रोम जो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैंनी सिम्प्लेक्स इनड्यूरेटा रोजिजा ब्लूइश रेड पस्च्यूल्स ऑन फेस चेस्ट शोल्डर कहाँ कहाँ होते हैं चेहरे पे चेस्ट पे और शोल्डर पे और जो कि ठीक होने पे स्कार लीव्स, अनसाइटली स्कार्स और किंत में होता है एकने सिप्लेक्स या एकने इन यंग फ्लेसी पर्सन ऑफ ग्रॉस हैबिट्स किस में इन यंग फ्लेसी पर्सन ऑफ ग्रॉस हैबिट और किस किस तरह कहाँ कहाँ फेस चेस्ट एंड शोल्डर पर और ब्लू श्रेड पस्च्यूल्स होते हैं अगर जो अगली दवाई हम उसकी बात करें तो वो है कैलकेरिया फॉस तो अगर हम फॉस की बात करें तो फॉस में स्पेसिफिक एज ग्रुप लिखा हुआ है वो है एट प्यूबर्टी इन एनिमिक गर्ल्स एक्नी एट प्यूबर्टी इन एनिमिक गर्ल्स विथ एसोसिएटेड विथ वर्टिक्स एडेक एंड फ्लैचुलिस रिलीव बाई इटिंग फ्लैचुलिस रिलीड बाई ईटिंग तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली प्यूबर्टी प्यूबर्टल एज पे और हमने देखा भी है उस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में एक्नी वलगेज के कि पेरीप्यूबर्टल एज को ज़्यादा अफेक्टेड करती है एक्नी वेगेरियस और कैल्कि में लिखा हुआ है एट प्यूबर्टी एक्नी इन एनिमी गर्ल्स विथ बर्टिक्स एडिक अगर हम आगे बात करें तो एस्टेरिस रूबेंस बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है एस्टेरिस एस्टेरूबेंस भी और किन किन सिम्टम्स भी दी जाती है हम देखते हैं डिस्पोजिशंस टू तो पिम्पल्स एट एडोलसेंस एडोलसेंस अगेन पेरीप्यूबर्टल एज पिम्पल्स देखिए बहुत स्पेसिफिक साइड ध्यान है ऑन साइड ऑफ नोज चिन एंड माउथ नोज चिन एंड माउथ के अगर आसपास आज, है तो हम एस्टेरस रूबेंस को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ डिस्पोजिशंस टू पिंपल्स मतलब डिस्पोजिशंस है टू पिंपल्स एट एडलशन्स ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए जो अगली दवाई है वो लीडम पाल है लीडम पाल के बारे में लिखा हुआ है कि रेड पिम्पल्स ऑन फोरहेड एंड चिक्स अब देखिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी थी वहाँ पर प्यूबर्टल एक में और यहाँ पर एस्ट्रेस में लिखा हुआ है कि पिम्पल्स अराउंड ऑन द साइड ऑफ नोज चीन एंड माउथ और यहाँ पर लिखा हुआ लीडम में ऑन फोर हेड तो जब हम पिम्पल्स का केस देखें या एक्ने का केस देखें तो किस जगह पे है वो चिक्स पे है फोर हेड पे है साइड ऑफ द नोज पे है या अराउंड द माउथ है बहुत स्पेसिफिक है इससे भी दवाई को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है फोर हेड एंड चिक्स लीडम पाल स्टिंग वैन टस्ट जब हम उसे टच करते हैं तो हमें चुभते हुए दिखाई दे चुभते हैं या हमें लगते हैं तो रेड पिम्पल्स इन फोर हैड एंड चिक्स स्टिंगिंग वैन टस्ट अगर हम आगे बात करें जो दूसरी दवाई है बर्बरिस एक्वेफोलियम ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइबड है और जो इसके सिम्टम्स हैं पिम्पली ड्राई रफ स्केली इप्शंस कहाँ पर हैं ऑन स्कैल्प एक्सटेंडिंग टू फेस एंड नेक स्काल्पे होते हैं और जो कि एक्सटेंड होते हैं फेस एंड नेक से तो देखिए तीन दवाइयाँ एस्टेस लीडम एंड बर्बरस एक्वीफोलियम एस्ट्रियस में साइड ऑफ नोज चीन माउथ और लीडम में ऑन फोर हेड एंड चेक्स एंड बर्बरस एक्फोलियम स्काल्प एक्सटेंडिंग टू फेस एंड नेक जो अगली दवाई है वो है जुगलेंस रेचिया इसमें जो इरप्शनज हैं मैनिफेस्टेशन है, manifestation है का, वो कॉमेडोन्ज हैं एक्नी ऑफ द फेस विथ रेड पस्च्यूल्स एक्नी विथ द फेस एंड रेड पस्च्यूल्स साइक्लामेन साइक्लामेन में बोरिक ने लिखा हुआ है इन यंग वुमेन ये ध्यान रखिएगा सिंगल लाइन लिखी हुई है बट ध्यान रखिएगा कि साइक्लामेन का भी यूज़ हम करते हैं आर्स आयोड में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है एक्ने हार्ड छोटी इंड्यूरेटेड बेस विद पस्ट्यूल्स एट जेटअपिक्स जिसका हम वाइट हेड बोलते हैं पिंपल्स में मुंह पक जाता है तो लिखा हुआ इंड्यूरेटेड बेस बेस जो रहता है वो तो इंड्यूरेटेड सूझा हुआ रहता है रेड रहता है विथ एट जटिक्स इसका मुंह पका हुआ रहता है तो वो दवाई होगी आर साउड जो अगली दवाई है वो वेल नोने फॉर द फीमेल सिम्टम्स तो जो दवाई है वो है पल्सेटिला नाइग्रिकेंस एंड जो इसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ एक्ने एट प्यूबर्टी एक्ने एट प्यूबर्टी हमने कैल्किफॉल्स प्यूबर्टी पे देखी साइक्लेमेन देखा यंग विमेन में तो पेरी प्यूबर्टल एज पे जो है पल्सरेला बहुत अच्छा काम करती है आपको पता है वैसे भी मिनारके की बेस्ट मेडिसिन है उसके एसोसिएटेड अगर कोई से भी सिम्टम्स हो तो, तो हम पल्सटेला देते हैं अब वे लिखा हुआ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्योंकि पल्सटेला कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है तो इन सिम्टम्स एक्नेट प्यूबर्टी के साथ साथ हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी ध्यान रखने होंगे जैसे कि माइल्ड जेंटल टिमेड वीपिंग डिस्पोजिशंस ड्राई टंग थ्रस्ट थ्रस्टी कॉन्सोलेशन एम्यूलेशन इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें ध्यान रखने होंगे जो अदर मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है नेट्रोम्यूर सीपीआई इग्निशिया कैल्किरियसल सल्फर एंड कार्बोन अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करेंगे तो नेट्रोम्यूर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स दिए हुए हैं उनको हम ध्यान रखेंगे चाहे वो डिज़ायर फॉर सॉल्टी थिंग्स हो चाहे वो मेप टंग हो चाहे वो थ्रस्ट हो चाहे उसका कॉन्सोलेशन एग्रेवेशन हो आदि अगर हम सी की बात करें तो सी में भी हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल चाहे वो इंडिफ्रेंसनेस हो इनडिफरेंस फॉर लव दोज वन जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है उनसे भी इंडिफरेंट हो जाती है बिज़नेस वर्क से होम अफेयर से सबसे इंडिफरेंट हो जाती है मोथ स्पोर्ट्स होते हैं और अपसेंट सेक्शुअल डिजायर होती है ये सब चीज़ें हमें सी पी में ध्यान रखनी है अगर हम इग्निशिया की बात करें तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन ध्यान रखना है एलोन एग्रवेशन लिखना है इसका कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ एलिमेंट्स फ्रॉम ये सब चीज़ें हमें इग्निशिया में और कॉन्ट्राडिक्शन डिसपोजिशन को भी हमें ध्यान रखना है और एलिमेंट फ्राम ग्रीफ एंड लॉन्ग कंसनट्रेटेड ग्रीफ को भी हमें ध्यान रखना है और एलिमेंट फ्राम डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटेड लव ये भी हमें इग्निशिया में ध्यान रखना पड़ेगा या रखना चाहिए जैसे कि सेम कैल्क्यस सर सल्फ़र एंड कार्बो एनिमलिस के भी सिम्टम्स आप ध्यान में रखें कार्बो एनिमलिस एक्नी रोजिजा की बेस्ट मेडिसिन है और सल्फ़र के भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स चाहे उसका थर्मल रिलेशन हो डिज़ायर वर्जन हो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे स्टैंडिंग इज द बस्ट पोजिशन बैदिंग अवर्जन डिज़ायर स्वीट एंड डिज़ायर फॉर वार्म फूड्स एंड हॉट फूड्स ये सब चीज़ें हमें जब हम एक्नी वलगेरिस का ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमें सल्फ़र कार्बन एमिस और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नट्रमोसिपिया एग्नीशिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पल्सटीला के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को भी हमें ध्यान में रखना होता है तो दोस्तों ये था एक्नी वलगेरिस का थेरापेटिक लेक्चर और एक्नी वलगेरिस क्या होती है उसके टाइप क्या है वेरिएंट क्या है डायग्नोसिस क्या है सिम्टम्स क्या है इसके लिए मैं एक वीडियो लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका हूं अगर आप उसका वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक इस इस थेरेपेटिक लेक्चर के कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे चैनल को धन्यवाद